भील कुमार कर्णप वन में भटकते भटकते एक मंदिर के समीप पहुंचा। मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति देख उसने सोचा, भगवान इस वन में प्लस अकेले हैं, कहीं कोई पशु इन्हें कष्ट न दे। शाम हो गई थी। कर्णप धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर के द्वार पर पहरा देने लगा। सवेरा होने पर उसे भगवान की पूजा करने का विचार आया, किंतु वह पूजा करने का तरीका नहीं जानता था। वह वन में गया, पशु मारे और आग में उनका मांस भून लिया, मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद निकाला, एक दोने में शहद और मांस लेकर कुछ कुछ तोड़कर और नदी का जल मुंह में भरकर मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर पड़े फूल पत्तों को उसने पैर से हटाया, मुंह से ही मूर्ति पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए और मांस व शहद नैवेद्य के रूप में रख दिया। उस मंदिर में रोज सुबह एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। मंदिर में नित्य ही मांस के टुकड़े देख ब्राह्मण दुखी होता। एक दिन वह छिपकर यह देखने बैठा कि यह करता कौन है। उसने देखा कर्णप आया। उस समय मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बहता देख उसने पत्तों की औषधि मूर्ति के नेत्र पर लगाई, किंतु रक्त बंद नहीं हुआ। तब कर्णप ने अपना नेत्र तीर से निकालकर मूर्ति के नेत्र पर रखा, रक्त बंद हो गया। तभी दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा। कर्णप ने दूसरा नेत्र भी अर्पित कर दिया। तभी शंकर जी प्रकट हुए और कर्णप को हृदय से लगाते हुए उसकी नेत्र ज्योति लौटा दी और ब्राह्मण से कहा, मुझे पूजा पद्धति नहीं श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। वस्तुतः ईश्वर पूर्ण समर्पण के साथ किए स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल आशीषों से भक्त को तार देते हैं।